1986 के स्टार्स अक्षय कुमार और असिन रिसेंटली आए थे सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 6 के सेट्स पर, जहां इन्होंने सलमान के साथ मिलकर अपनी फिल्म को प्रमोट किया और साथ ही की ढेर सारी मस्ती। टू ऑफ द माई मोस्ट फन को स्टार्स अक्षय एंड ऑफ कोर्स सलमान, एंड आई थिंक वाज अ ब्लास्ट इनसाइड, लॉट ऑफ गुड रिपार्टीज, इंटरेक्शन, थोड़ा बहुत हमने गाया, वी डांस्ड अ बिट, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ जिग, सो इट वाज लॉट ऑफ फन। अक्षय कुमार ने यहां जाहिर की 12 साल के बाद एक खिलाड़ी फिल्म करने की अपनी एक्साइटमेंट। बहुत टाइम हो गया था, 12 साल हो गए थे खिलाड़ी फिल्म नहीं की, तो अब मौका मिला है क्योंकि एक्शन मैंने शुरू कर दिया है, मैंने बंद कर दिया था 12 साल एक्शन नहीं किया, तो अब मौका मिला है करने के लिए 10 साल मिला। और साथ ही इस साल कई सारी हिट्स देने की बात को भी अक्षय ने लॉन्च किया। I have Oh My God, I have Houseful, I have Rowdy Rathod, everything has been great. I have a daughter, everything has been great. I have Khiladi 786, have been great. I have a lucky co-star with me, that has been great. So it's been a great year. लेकिन अक्षय के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट तो तब आया जब उनके क्लासमेट रह चुके बिग बॉस 6 के सबसे इन फेमस कॉन्टेस्टेंट इमाम के बारे में उनसे ये सवाल पूछे गए। इमाम सिद्दीकी जो हमें पता चला कि वो आपके फ्रेंड रह चुके हैं पहले भी, मेरे स्कूल मेट थे, तो अब इतने सालों बाद बिग बॉस कंटेस्टेंट आप मिले, कैसा रहा? वेल, पहले तो अक्षय ने बता दिया कि इमाम उनके दोस्त कभी नहीं रहे हैं, फ्रेंड नहीं, मेरे स्कूल मेट थे, और उसके बाद दे दिया ये क्लैरिफिकेशन। आई थिंक ही इज अ फनी गाय, ही इज वेरी एंटरटेनिंग, ही इज एंजॉयबल, ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी स्पोर्टिंग। नहीं जनाब, मैंने कोई टिप्स नहीं। चलिए कोई बात नहीं अक्षय, आपने भले ही इमाम को कोई टिप्स ना दिए हो, बट वी होप कि वो खुद आपसे कुछ टिप्स ले लें। रही बात आपकी फिल्म की, तो यर्स विशिंग यू ऑल द लक फॉर दिस वन।